जब बेटा यहां से बीटा निकला, इससे आगे बीटा, तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा, तो ए टू के जो एलिमेंट होंगे 71 एंड 176। अब बेटा यहां से फिर अल्फा पार्टिकल निकला ए थ्री, यहां से दो कम 69, यहां से बेटा चार कम 172, यहां से बेटा फिर बीटा पॉजिटिव निकला, और बीटा पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है, बीटा में एक बढ़ जाता है, तो यहां पर बेटा कम हुआ, दैट मींस ए फोर दैट इज 68, यहां से बेटा सेम रहा 172, अगेन बेटा गामा निकला, तो बेटा ए फाइव 68 172, फिर बेटा अल्फा पार्टिकल निकला, और अल्फा पार्टिकल एमिट होने पर ए सिक्स कितना बेटा 66 और 168। ब्रेविज देखो कोई दिक्कत है तो समझाओ बेटा मुझे, मैं बात करता हूं फिर दोबारा समझाता हूं। ब्रेविज नो सर, तो मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, आप चाहे दो मिनट लग जाए पर एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। देखो मैं लिखता हूं, राइट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ईच, ए के लिखो क्या है, ए वन के लिखो क्या है, जब ए टू कितना है 70 और 176 है, यहां से अल्फा निकला था, सॉरी बीटा पॉजिटिव निकला था, यहां से अल्फा निकला है, फिर अल्फा बेटा ए थ्री, फिर बीटा बेटा ए फोर, फिर अल्फा बेटा ए फाइव, फिर गामा बेटा ए सिक्स, फिर बीटा पॉजिटिव बेटा ए सेवन। ये क्वेश्चन है बेटा, ए के निकालने, ए वन के, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन। ट्राई करो, दो मिनट का टाइम है बेटा तुम्हारे पास, करो। जी
अरे मैंने सवाल दिया था, बच्चा फोन चले गए। हो गया यस सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया। बताओ बेटा क्या आया, चेक कर लो। पहले फोन चलते हैं, 68 172। यस सर। 69 172। 67 168 और बेटा 66 168। पीछे आ जाओ, 72 180, 73 180। अजय सही है सब? यस सर, सर सही है। यस सही है सर। गंगा यस सर, यस सर, यस सर। तो बेटा एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसे बीटा डीके भी कहते हैं कभी कभी। और भी एक तरह का क्वेश्चन आता है, मैं देखो भी बताता हूं बेटा कि यहां पर एक रेडिएशन दे देगा और वहां से क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे उनकी यदि मैं बात करता हूं तो देखो कैसे। एक और क्वेश्चन देता हूं बेटा जी, क्वेश्चन बेटा ये है आइडेंटिफाई द एमिटेड पार्टिकल्स इन द गिवन सीक्वेंस। यहां पर था बेटा एक एलिमेंट ये था, एक ये था, यहां से एक पार्टिकल आया A1, यहां से एक पार्टिकल आया A2, यहां से एक पार्टिकल आया A3। यहां पर A था, तो बेटा इस सिचुएशन में यहां से रेडिएशन यहां तक पहुंचा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो A1 मस्ट बी गामा पार्टिकल। A3 पार्टिकल क्या होगा बेटा, एक बढ़ा दिया तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल। यहां से यहां आया A2 भी क्या होगा बेटा, बीटा पार्टिकल। तो क्वेश्चन की सीक्वेंस किस तरह की आती है, आपको तो जो आपने सीखा है कि अल्फा सिचुएशन क्या होती है, बीटा की क्या होती है, गामा की क्या होती है,
बस उसके बिना पर ही होगा, और कोई सिचुएशन नहीं बनती बेटा, और कोई कंडीशन नहीं बनती बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आती है बात यहां बेटा इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी किसे कहेंगे, मतलब एक इक्वेशन जिससे मैं किसी रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं कि बेसिकली ये होता क्या है, और इसी पर बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और यहीं से हम हाफ लाइफ या एवरेज लाइफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो क्या है बेटा अब इक्वेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इक्वेशन क्या कहता है बेटा, सिंस द रेट ऑफ डीके और डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of atoms present means dN by dt is directly proportional to n, dN by dt equals to minus n lambda, let n naught number of particles or atoms present initially and n beta number of particles or atoms present now, तो dn by n इसे n इधर दिया है equals to minus lambda dt, क्या करें बेटा integrating, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाई एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दिस इज लॉग एन माइनस लैम्डा टी प्लस के, ये कोई कांस्टेंट था बेटा, इनिशियली टू जीरो और एन इक्वल्स टू एन नॉट, शुरू में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा एन नॉट, तो बेटा लॉग ई एन नॉट इक्वल्स टू लैम्डा इनटू जीरो प्लस के, के इक्वल्स टू लॉग ई ऑफ एन नॉट, पुटिंग इन फर्स्ट तो बेटा log e n lambda t plus log e n naught, log e n minus log e n naught equals to minus lambda t, log m minus n log e n upon n naught और बेटा minus lambda t n upon n naught e की पावर माइनस लैम्डा t, n equals to n naught e की पावर माइनस लैम्डा t, and this is equation of radio activity. क्या कहते हैं बेटा इसे,
equation of radioactivity. Breves, Breves बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। इसकी कुछ कंडीशंस आती हैं, देखो lambda equals to 1 by t, तो n equals to बेटा n naught e की पावर माइनस 1 upon t into t, तो n equals to n naught e की पावर माइनस 1 या n upon n naught equals to 1 upon e. और यदि बेटा यहां से मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैक्टर आता है, ये बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे या लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यहां बैठा टाइम, ये बेटा एन नॉट थे जो भी टाइम था, इसका यदि मैं हाफ कर दूं ये एन नॉट बाई टू, ये पहला टी हाफ होगा, हाफ लाइफ. द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ बेटा इसी से आता है. यदि मैं इसका भी हाफ कर दूं तो सेकंड हाफ, मैं इसका भी हाफ कर दूं इसका भी बेटा हाफ, तो इसे बेटा दूसरा यहां एक नोट लिखता हूं मैं. एक होती है बेटा एक्टिविटी, क्या कहते हैं बेटा एक्टिविटी, सनी एक्टिविटी बेटा. तो पहले तो यदि मैं इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी, हाँ यहां बेटा एक तो इसकी यूनिट की बातें करते हैं और एक एक्टिविटी. पहले मैं एक बार चेक कर लूं कि एक्टिविटी सिलेबस में है या नहीं है. अब वन मोमेंट बेटा, बस जरा सी
बिल्कुल है बेटा, ए होता है बेटा डी एन बाई डी या एन लेमडा या ए इक्वल्स टू होता है बेटा एन लेमडा, इसे कहते हैं एक्टिविटी। और इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा डी, ये बेटा एक्टिविटी है। दूसरा बेटा फिर आती है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की बेटा यूनिट क्या होती है? जो ऐसा यूनिट है वो होती है बेटा बेकुरल। ऐसा यूनिट बेकुरल, बी ई सी, पता ना क्या स्पेलिंग होती है, क्यू यू होती होगी, क्यू यू ई आर ई एल, बेकुरल, बी क्यू लिख देते हैं बेटा। एक होती है बेटा क्यूरी, एक होती है, एक और होती है बेटा उसे कहते हैं रदरफोर्ड। क्या कहते हैं बेटा? रदरफोर्ड। इनमें यदि मैं रिलेशन की बात करता हूं बेटा कि बेसिक रिलेशन क्या होगा इनके बारे में, तो जो वन क्यूरी होता है बेटा उसमें 3.6 या 7 वन बेकुरल इक्वल्स टू होता है वन एटम पर सेकेंड, और बेटा वन क्यूरी थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर 10 बेकुरल, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेकुरल होता है बेटा ये। और ज्यादातर बेटा यही पूछते हैं, एक नंबर का सवाल है क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, तो बेटा ये मेरी ये यूनिट पूछता है तो बेकुरल या क्यूरी या फिर रदरफोर्ड, ऐसा यूनिट ये होती है, ये बेटा एक्टिविटी होती है और इसी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। और ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? पक्का? यस सर। देख ले बेटा कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा जी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, पता है उसके किसके क्वेश्चन दिए थे? हाफ लाइफ को, इस चैप्टर की बर्निंग एनर्जी करे थे ना? यस सर। उसमें सर कुछ है जो आपने नहीं कराया काइनेटिक एनर्जी वाले? बेटा जो काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाई वाले होते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट अब सिलेबस में नहीं है ना बेटा तो वो कैसे करेंगे? केवल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है आपको, और कुछ नहीं करना बेटा। समझ गए बेटा? ठीक है सर। और बेटा बाकी जो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कौन से चैप्टर का टेस्ट था पता है ना? यस सर, वेव ऑप्टिक्स। और 9 बजे होगा बेटा, 9 बजे, 9 बजे टेस्ट होगा बेटा। चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे बेटा? सर इतनी जल्दी तो 11 बजे नहीं हो सकता? क्यों? 10 बजे ले लूंगा फिर। ठीक है सर। नहीं नहीं सर, नहीं तो सर बायोलॉजी का टेस्ट है मेरा, तो 9 बजे ठीक है? हाँ सर 9 बजे ले लो। यस सर 9 बजे ठीक है। ओके 9 बजे डन बेटा। और मैंने कहा था बच्चों मेरा फोन खराब हो रहा है और मुझे नहीं पता कौन बच्चा फीस दे रहा है, तो थोड़ा बेटा फीस फीस दे दो तो एक फोन खरीद लेंगे बेटा।
सर नमस्ते। नमस्ते तो होगी, एक बार कह देती यस सर। अंजलि यस सर भेज देंगे, 15 तक आ जाएगी। ओके सही, नमस्ते 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 सर नमस्ते।